तो यूरोपीय देशों को अब भारत की तरफ से बड़ा झटका मिलना शुरू हो चुका है और हाल ही में यूरोपियन यूनियन को भारत की तरफ से एक ऐसी फटकार मिली है जिसे यूरोपीय यूनियन सदियों तक याद रखने वाला है। दरअसल यूरोपीय देशों में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए इन देशों में उतनी ही ज्यादा भारतीय गर्म मसाले की डिमांड होती है। यह भारतीय गर्म मसाले पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि यह देश बिना भारतीय मसाले के एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं, लेकिन इनका घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि इन्हें भारतीय मसाले मुफ्त में चाहिए। और भारत ने जब से आर्थिक तरक्की करना शुरू किया है तब से उनकी तिरछी नजर भारत के मसाले, फूड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर टिकी हुई है, जिसके कारण यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर एक्स्ट्रा टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है और एक्स्ट्रा ड्यूटी न देने पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इन सबके पीछे इनका यही मकसद है कि भारत इन्हें कम से कम दामों में मसाले का एक्सपोर्ट करे। लेकिन शायद यूरोपीय देश ये बात भूल चुके हैं कि भारतीय मसाले के बिना वह खाना भी नहीं पका सकते हैं। लेकिन भारत ने अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है और भारत फुल एक्शन में आ चुका है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि न सिर्फ भारत के द्वारा यूरोप के 1500 आइटम्स को वापस लौटा दिया गया है बल्कि उन पर बैन भी लगा दिया गया है, जिसके कारण यूरोप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पूरी अपडेट्स क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने यूरोप को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आए थे तो वह भारत से जाते समय अपने साथ भारत के गर्म मसाले लेकर गए थे और उस समय यूरोपीय देशों ने पहली बार भारतीय मसाले को छका था और तब से लेकर आज तक भारतीय गर्म मसाले की इतनी ज्यादा लत लग गई है कि वह बिना भारतीय मसाले के अपना खाना तक नहीं पका सकते। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनमें छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर जब उनकी एंट्री मिलती भी है तो भारतीय कंपनी को अलग से इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ अपने फैसले ले रहा था उसी का उल्टा जवाब देते हुए हाल ही में यूरोप से भारत में इम्पोर्ट होने वाले लगभग 1500 फूड आइटम्स पर बैन लगा दिया गया और साथ ही यूरोप की तरफ से भारत में लाए गए इन आइटम्स को वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपियन यूनियन को आज तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और यूरोपियन यूनियन की अकड़ ठिकाने लगती हुई दिखाई दे रही है। और भारत ने कुछ ही महीने पहले कई देशों के लिए चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था जिनमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। इसके कुछ दिन बाद यूरोपीय देशों में खाने के लाले पड़ने लगे थे और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि भारत दोबारा से चावल के एक्सपोर्ट को चालू करे, क्योंकि भारत ने राइस की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए राइस एक्सपोर्ट को बंद किया। तो उस समय ज्यादातर यूरोपीय देशों में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो गई थी और यह बात ज्यादा दिनों पहले की नहीं है बल्कि कुछ ही महीने पहले मार्च 2024 की है, जब भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय देशों में चावल को लेकर घबराहट की लहर फैल गई थी। कई सुपरमार्केट में तो चावल की कमी भी हो गई थी और यूरोप के जिन मार्केट में चावल मिलते भी थे उनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, जिससे लोगों ने भारी मात्रा में चावल खरीदना शुरू कर दिया और लोगों को जहां पर भी चावल के बैग्स दिखते थे वह तुरंत वहां से परचेस कर लेते थे। और यह लहर कुछ इस कदर फैल गई थी कि मानो अब यूरोपीय देशों में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। हालांकि यह घबराहट कुछ हफ्तों बाद ही ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भारत से चावल एक्सपोर्ट को चालू करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को पता चल गया था कि जो भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर कंट्री है उन्होंने चावल के एक्सपोर्ट को कई देशों के लिए बंद कर दिया है। फिलहाल यूरोप के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों को चावल निर्यात करने की अनुमति दिया, जिससे यूरोप में चावल की कमी में सुधार हो गया। लेकिन जिस तरह से यूरोपीय देश भारत से चावल इम्पोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन इससे की ज्यादा डिपेंडेंसी भारत के मसाले पर है और अब यूरोप में वही स्थिति फिर से मसाले को लेकर हो सकती है जो कि चावल को लेकर हुई थी, क्योंकि भारत से यूरोपीय यूनियन में भेजे जाने वाले कई मसाले का
एक्सपोर्ट बैन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में यूरोप में मसाले और अन्य फूड प्रोडक्ट के दाम पहले से कई गुना ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण सुपरमार्केट में मसाले की कमी होने से मसालों की लूट मचना शुरू हो जाएगी। और कई रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि यूरोप में मसाले की होल्डिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है, और यूरोपीय यूनियन भारत के साथ माइंड गेम खेल ही रही थी कि भारत से इंपोर्ट होने वाले मसाले में कोई न कोई कमी निकाल दी जाए तो उन्हें मसाले भारत से सस्ती कीमत पर मिलेंगे। यदि आपने पिछले कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो आपने कई आर्टिकल में ऐसा लिखा देखा होगा कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स फाउंड इन 527 इंडियन फूड आइटम्स बाय EU फूड सेफ्टी अथॉरिटीज। यानी कि इसका मतलब साफ है कि यूरोपियन संघ के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के 527 आइटम्स में कैंसर फैलाने वाले केमिकल पाए गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत को यूरोप का यह खेल पहले ही पता चल गया था, इसलिए भारत यूरोप के अलावा अन्य देशों के मार्केट में मसाले के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा है ताकि यूरोप में मसाले का एक्सपोर्ट कम किया जाए और दूसरे देशों में मसाले के एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन भारत पर डिपेंडेंट है, यदि भारत के द्वारा कंप्लीट मसालों के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है तो इनके पूरे देशों पर आफत आ जाएगी, क्योंकि यह चाहकर भी दूसरे देशों से मसाले को नहीं खरीद सकते, क्योंकि दूसरे देशों में न तो मसालों की इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और न ही दूसरे देश 27 अमीर देशों वाले यूरोपियन यूनियन को मसालों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले का एक्सपोर्टर कंट्री है, और आज के समय में दुनिया के 180 से अधिक देशों को भारत के द्वारा मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि यदि यूरोपियन यूनियन भारत से मसाले को लेने में आनाकानी करता है तो भारत मसालों का एक्सपोर्ट बंद भी कर दे तो भी भारत के पास दूसरे देशों में मसाले का एक्सपोर्ट करने के लिए कई ऑप्शन मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने यह भी देखा है कि जब चीन में मसाले की कमी पड़ रही थी तो उन्होंने भारत से भारी भरकम मात्रा में मसाले को परचेज किया था, चाहे जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड देश हो या फिर साउथ कोरिया के साथ एशिया ग्रुप के सभी कंट्री। यहाँ पर भारतीय मसाले की डिमांड साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि भारत के अलावा ज्यादातर एशिया के देश जिन मसाले को उगाते हैं उनकी क्वालिटी के आगे भारतीय मसाले पूरी तरह से अलग और यूनिक फ्लेवर के होते हैं, इसलिए सभी देश भारतीय मसाले को ही खरीदना बेहतर समझते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के केवल 527 आइटम को ही रिजेक्ट किया था, लेकिन भारत ने तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1500 आइटम्स को यूरोपीय यूनियन के पास वापस भेज दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन इन सब के बावजूद भी भारतीय मसाले के खिलाफ अपने तेवर को दिखाने वाला है या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले। जय हिंद।